बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक। टेस्ट नंबर 10, 5 सितंबर 2021, इवनिंग शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ट्रेवलिंग इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकंड टू 81 मीटर पर सेकंड, 0 आर इनफाइनाइट। तो ये होगा क्या, ये 332 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये है। और इसके लिए अगर टेम्परेचर के लिए हम फार्मूले लेके, सो हम लिखते हैं वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इनटू टी डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आ जाएगा, तो वी कितना बनेगा, ये होगा 332 बनेगा, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को राइज करता हूँ तो 1 × 1, 2 × 3, ठीक है। लेकिन ख़ास यहाँ पे आप लोग क्या करें, एहतियात करें कि ये डिग्री में गेवन है या केल्विन में गेवन है। केल्विन में गेवन है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस चीज़ में, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, पावर इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, किसी को मालूम नहीं है, किसी को पता नहीं है। सो देखो, आप लोग लिखते हैं कि पावर बराबर है डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब ये है डब्ल्यू किस चीज़ के बराबर है, एफ डॉट डी डिवाइडेड बाई टी है, डी डिवाइडेड बाई टी किस चीज़ के बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। सो एफ डॉट वी इज इक्वल टू पावर, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ पावर, कौन सा यूनिट ऑफ पावर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए याद नहीं है, जो भी होगा, ठीक है। व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर, एम्पेयर ओल्ट है कि नहीं है, या यहाँ पे एम्पेयर डिवाइड बाय ओल्ट है कि नहीं है। एम्पेयर ओल्ट देखो बेटा, पी इज इक्वल टू वी एन टू आई, तो ये एम्पेयर और ये इसका ओल्ट, तो ये भी इसका यूनिट है। एम्पेयर डिवाइडेड बाय ओल्ट, सो इट इज़ नॉट द यूनिट ऑफ पावर। ए पे जो भी होगा वो यूनिट होगा किस चीज़ का, पावर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच ऑफ साउंड कम होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मिनिमम एट 30 डिग्री 45 60 और 90। हॉरिजॉन्टल रेंज किस चीज़ के बराबर है, वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी या 2g, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा। अगर मैं यहाँ पे 30 पुट करूँ तो ये ज़ीरो नहीं होता, 45 पर पुट करूँ तो ये मैक्सिमम होता है, 60 पुट करूँ तो 120 बनता है तो ये मैक्सिमम, 90 पुट करूँ तो 180, और साइन 180 बराबर है किस चीज़ के, ज़ीरो के बराबर है। लिहाजा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बोथ ऑफ दिम, नन ऑफ अबव। देखो, टाइम पीरियड हम लिखते हैं 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड हम लिखते हैं लीनियर फ्रिक्वेंसी के साथ n डिवाइडेड बाई f, ठीक है। सो इसके साथ रिलेशन क्या है, इसका इनवर्स रिलेशन है, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर a लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ मोमेंटम डिक्रीज टू 3 times एंड मास इंक्रीज बाई 5 times देन वेलोसिटी विल बी व्हाट, 5 by 3, 3 by 5, 1 by 15 या 15। देखो, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, वेलोसिटी मांग रहा है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय एम। पी कितना है, डिक्रीज टू 3 times और मास कितना है, इंक्रीज टू 5 times, सो 3 divided by 5, ऑप्शन नंबर बी। इफ वेलोसिटी इज द चेंज ऑफ डैश डैश डैश, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, आर ऑफ अबव। डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये एक एमसीक्यू और है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस सोलेनॉइड इज 0, यूनिफॉर्म, वेरिएबल विद डिस्टेंस, नन ऑफ अबव। तो सोलेनॉइड इट इज़ असल में एप्लीकेशन है एम्पेयर ज़िला का, तो आउटसाइड दिस सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, और इनसाइड दी सॉलिनाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लिहाजा इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में रेजिस्टेंस लोअर हायर बोथ ऑफ देम, नन ऑफ अबव।
बोथ ऑफ देम, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि अ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फॉर कंडक्टर्स और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर टू सेमीकंडक्टर डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, हाफ लाइफ मीन डैश ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो ये तो सिंपल चीज़ है, 0.5 जो है ओरिजिनल अमाउंट क्या होता है, कम होता है, हाफ होता है ना, तो हाफ क्या होता है, 0.5। यूनिट ऑफ इंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर मीटर डिग्री रेडियन बोथ बी एंड सी। सो ये एसआई यूनिट है, अगर यहाँ पे एसआई है तो फिर हम रेडियन टेक करेंगे, अगर यहाँ पे सिंपल आ जाए जिस तरह आया है, यूनिट ऑफ इंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज, अच्छा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अलोंग अ सर्कल टुवर्ड द सेंटर या अपोजिट टू फोर्स या नन ऑफ अबव। टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, यूनिट ऑफ वोल्टेज इज कूलम एम्पेयर ओल्ट या आर ऑफ अबव। यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या है, इट इज ओल्ट, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यों, ये ओल्ट है या जौल पर कूलम भी हो सकता है, ठीक है, जौल पर कूलम भी हो सकता है या न्यूटन मीटर पर कूलम भी हो सकता है या किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर एम्पेयर सेकंड क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट जीरो वेरिएबल या नन ऑफ अबव। वेरिएबल होता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये चीज़ जीरो होता है, ठीक है, डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो के बराबर है, लेकिन जब ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा या डेल्टा डब्ल्यू बराबर होगा माइनस डेल्टा यू, तो ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, करंट रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर 1:1, 2:1, 4:1, 1:2 जो भी है, ठीक है। देखो टर्न रेशो, नंबर ऑफ टर्न की बात करते हैं, तो हमें तो पता है स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न जो है वो क्या है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, किस चीज़ से, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल में। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन है तो ये टू होगा, यहाँ पे टू है तो ये थ्री होगा, यहाँ पे थ्री है तो ये फोर होगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1:1, 2:1, 4:1, 1:2, ठीक है, तो ये हम वन करें तो ये टू हो सकता है, ये हम वन करें ये फोर हो सकता है, ये हम वन करें ये थ्री हो सकता है, डिपेंड करता है। तो लिहाजा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1:1 तो नहीं होता क्योंकि दोनों तो बराबर नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। 2:1 तो ये होगा 2, ये होगा 1, ये भी करेक्ट है। 4:1 यहाँ पे 4, ये 1, ये भी करेक्ट है। 1:2 तो ये दो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन जो इन दोनों में सबसे बेस्ट है वो क्या होगा, हमारे पास 2:1 होगा, कि अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, 1 होगा, और 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी रेजिस्टिविटी बाइंडिंग एनर्जी रिलक्टेंस। तो क्यूरी जो है ये किस चीज़ का यूनिट है, रेडियोएक्टिविटी का यूनिट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डिके रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर मॉइस्चर चेंज इन टेम्परेचर आर ऑफ अबव। डिके रेट इन सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किस चीज़ पे करता है वो आप लोगों को बेहतर पता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, रेडियोएक्टिव आयोडीन इज यूजुअली रेफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर ट्यूमर स्किन कैंसर नन ऑफ अबव। देखो बेटा रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 जो है वो हम कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थायराइड कैंसर है, स्किन कैंसर है, ट्यूमर्स है, नन ऑफ अबव। अब इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कैंसर तो सब है, तो हम फिर कहेंगे कि इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर थायराइड कैंसर, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज थे टेस्ट नंबर 10 5 सितंबर 2021 के, आप लोगों के जहन में कोई अगर एमसीक्यूज है तो वो भी कमेंट्स में बताया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।